हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरी चटनी बनाने जा रहे हैं। हरी चटनी वैसे तो बहुत तरह की होती है, चाट के लिए, इडली डोसा के लिए और तरह तरह की चीजों में हम यूज करते हैं। तो आज मैं जो चटनी बनाने जा रही हूँ वो इडली और डोसा के लिए यूज करने वाले हैं हम। इसके लिए मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता और नारियल का यूज किया है और दालिया इसमें रोस्टेड चना डाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या-क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए मैंने आधा कप जितना धनिया पत्ता लिया है, 1/4 कप जितना दालिया लिया है। ये रोस्टेड चना है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। और ये मैंने नारियल लिया है, उसको अच्छे से काट लिया 1/4 कप जितना। इसमें मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं 8 से 10 और आधा नींबू लिया है। और ये 5 हरी मिर्च ली है, नमक स्वादानुसार, और काला नमक आधा टीस्पून लिया है, छोटी चम्मच। और ये पानी 1/4 ग्लास जितना मैंने यूज किया है। और फ्राई करने के लिए 6 से 7 कड़ी पत्ते लिए हैं, आधा टेबल स्पून जितना राई लिया है और आधा टेबल स्पून ऑयल हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें मैंने धनिया पत्ता, मिर्ची और कड़ी पत्ता धोकर डाला है। फिर उसमें दालिया, नारियल और मसाले डाल देंगे, दोनों नमक डाल देंगे। फ्राई करने का सामान इसमें हम नहीं डालेंगे, वो सामग्री हम फ्राई करते वक्त ही डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैं 1/4 कप या ग्लास जितना ही मैं पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे जब तक कि एकदम बारीक पीस ना जाए। ये देखिए, एकदम बारीक पीस चुका है ये। अब हम इसको एक बोल में निकाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपको पता है इसमें से बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है, बहुत अच्छी। अब देखिए, फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है आधा टेबल स्पून जितना। इसको गरम करेंगे और जब इसमें से राई के दाने फूट कर निकले, ये देखिए क्रैकल होना स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसमें राई मिला देंगे बाकी की। ये क्रैकल हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। उसको एकदम अच्छे से मिक्स करके इसको हम चटनी में मिला लेंगे। यकीन मानिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कि बनाते बनाते ही ऐसे लग रहा है खाने लग जाऊं मैं। तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कीजिए। और आप एक बार बनाकर ट्राई करोगे तो गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम फिर से बनेगी ये चटनी। सो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।